हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योरसेल्फ हीलिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी स्किन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्किन के रूप में है और ये स्किन हमारे अंगों को बनाने में, हमारी बॉडी को, हमारे अंगों को कवर करने में बहुत ज्यादा, मतलब स्किन हमारे लिए आज के टाइम में क्या हमेशा हमेशा से ही बहुत जरूरी रही है। और इस स्किन को बहुत अच्छे से पोषक तत्व जो मिलते हैं वो मिलते हैं कोलेजन से और इलास्टिन से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी स्किन के लिए कोलेजन और इलास्टिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी स्किन में कोलेजन अच्छी मात्रा में होगा तो हमें एजिंग साइंस बहुत देर से आएंगे। अगर हमारी बॉडी में इलास्टिन, हमारी स्किन में इलास्टिन अच्छी मात्रा में होगा तो हमारी बॉडी लटकेगी देर से, एजिंग देर से आएगी। अब ये बात बहुत ही बेबुनियादी है कि एजिंग 35 प्लस में आती है। नहीं फ्रेंड्स, अगर जो लोग योगा करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, सात्विक भोजन पे रहते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अगर वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं तो एजिंग उनको 45 में भी टच नहीं करती। आज के टाइम में एज एन ब्यूटिशियन मैं देखती हूँ कि 25 प्लस यंगर्स को भी एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। वो अपने सोने का, खाने पीने का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं आज के बच्चे। हेल्दी फूड से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन की मात्रा को इम्प्रूव करके हमारी एजिंग को हमसे दूर लेके जाएंगे। तो आप नोट करिए आपको क्या 5 चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है और अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है। बट वन थिंग फ्रेंड्स, आपको ये हफ्ता या 2 हफ्ता नहीं खाना है, कम से कम 2 से 3 महीने आप खुद को देंगे इस डाइट के साथ, फिर आप रिजल्ट्स की वेट करेंगे। क्योंकि स्किन को बूढ़ा होने में सालों लगते हैं। जब हम 6 महीने, साल, 2 साल तक अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं तब हमें एजिंग और लूज पोर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब आप स्किन की केयर करने के बारे में सोचते हैं, उसका कोलेजन इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको खुद को कम से कम 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। ये नहीं कि 4 दिन आपने उस चीज़ को फॉलो किया और फिर छोड़ दिया। तो अब हम बात करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बादाम, एलमंड्स। ये सबके घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये वाले बादाम नहीं बता रही मैं जो आपको बादाम बता रही हूँ वो है मामरा बादाम। जी हाँ, नोट करिए, मामरा बादाम। ये नॉर्मल बादाम से थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डेली के सिर्फ 4 बादाम ही खाने हैं आपको। इन मामरा बादाम्स के अंदर कोलेजन को कंबाइन करने की बहुत जबरदस्त पावर होती है। तो आप मामरा बादाम लाइए और डेली सिर्फ आपको 4 बादाम खाने हैं। सेकंड चीज है फ्रेंड्स, पम्पकिन सीड्स। जी हाँ, सूरजमुखी के बीज, ये भी हमारी स्किन को कंपाउंड करने में, उनको इलास्टिन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आप इनको कैसे खा सकते हो, आप रात को 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स भिगो के रख दीजिए और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आप इनको खा सकते हैं। अगर आप भीगे हुए नहीं खाना चाहते तो आप इनको बिना ऑयल लगाए नॉनस्टिक कढ़ाई में या फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट करके ऐसे ही चबा सकते हैं। इनको भी आप डेली खाना शुरू करिए और फिर देखिए अपनी स्किन में कैसा मैजिक होता है। तीसरा फूड जो है फ्रेंड्स वो है मूंगफली, जो सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा मिलती है हमारे यहाँ, लेकिन आप इनको गर्मियों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। डेली अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं, जो मूंगफली के अंदर ऑयल होता है वो हमारी स्किन के कोलेजन और इलास्टिन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आप मूंगफली और हरे धनिया की चटनी कंबाइन करके, उनकी चटनी बना के अगर खाते हैं डेली, एक छोटी कटोरी आप उसकी चटनी खाते हैं हरी धनिया और मूंगफली की, तो आपकी स्किन बहुत ही जल्दी तेजी से इम्प्रूव और लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। 4th चीज है फ्रेंड्स, लहसुन। जी हाँ, कुछ लोग लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए वरदान है। लहसुन के अंदर सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो हमारे कोलेजन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आपको लहसुन का सेवन कैसे करना है, आप 3 से 4 छोटी कलियां लहसुन की सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या रात को बिल्कुल सोते टाइम आप ले सकते हैं। उससे क्या, उससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी। अगर आपका
बॉडी में ब्लड में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होते हैं या आपको लूज पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका ब्लड भी प्योरीफाई होगा और आपका कोलेजन और इलास्टिन तो इम्प्रूव होना ही है। और अब बात करते हैं पांचवा फूड क्या है। जी हाँ, विटामिन सी। ये तो आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा वीडियोस में भी, टीवी पे भी, कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है। अगर विटामिन सी को लगाने के साथ साथ अगर हम अपनी डाइट में भी शामिल कर लेते हैं तो ये वरदान है। विटामिन सी से हमारा वेट भी रिड्यूस होता है, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए तो ऑसम है। तो विटामिन सी के लिए आपको क्या क्या खाना है, संतरे हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए और ग्रेप्स हो गए। अगर इनमें से कोई भी दो चीजें या एक चीज आप डेली लाइफ में एक सुबह आंवले का मुरब्बा या दो संतरे या कोई भी मौसमी फल जैसे आता है उसको आप डेली डाइट में एक नियम बना लें कि मुझे ये खाना ही खाना है, फिर देखिए आपकी स्किन में कितने चमत्कार होते हैं। फेस पे ही नहीं, पूरी बॉडी की स्किन में शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप आज से ही ये पांचों चीजें अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा यंग दिखने वाले हैं। यस, आई कैन डू दिस। आपको ये बोलना है खुद को और कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। वो कहते हैं ना, बाद में जब 35-40 प्लस में आप जाते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको एक टाइम के बाद 25-30 की एज के बाद इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।